Sfântul Fără Giumbare Digăr să vă सैयद अली मुर्तजा ज़ैदी साहब से तशरीफ लाए और आज का मजलिस इख्तिताम फरमाए बावाज़े बुलंद सलावात أصحاب الكهف والرقيم
इसने हमें और आपको एक बार फिर ये तौफीक नसीब की सैयद शुहदा के नाम पर उनकी वालिदा वालिद माजदा की शहादत के नाम पर बरशाजा पर बैठ सकें। ये मालूम ये ऐसी अजीम शान सआदत है खुदा हमें और आपको आसानी से नसीब कर ये तो जब मैं मेरे जैसे लोग मरेंगे और बरज़ख में जाएंगे और हमें पता चलेगा कि इस मजलिस में आने की वजह से उस दुनिया में जो हमें अहले बैत का क़ुर्ब नसीब होगा और उसका असर क्या होगा, तब हम इस आने के एक एक लम्हे की कदर करेंगे, उस वक्त करेंगे, अभी शायद ना कर सकें। अल्लाह का शुक्र बजा लाने के लिए इस दुआ के साथ कि खुदा हमारी नस्लों को क़यामत तक इस तौफीक के नसीब में शामिल फरमाए, हम सबको उनके वारिस के ज़हूर का दिन देखना नसीब फरमाए, उनकी नुसरत और इस राह में शहादत नसीब फरमाए, तमाम मज़लूमों की मज़लूमियत के इख्तिताम और ज़ालिमों के खात्मे के लिए दुरूद भेजे मुहम्मद वाले जाकर जो लगे हुए हैं अब उनको जो भी ताबीर करना चाहे, इसमें एक शेर लिखा हुआ है फारसी का, बाज़ी चुशोरे सास्त के दर खल्क आलम अस्त। शेर क्या है ये बैनर्स आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाए मामूलन आपको मिल जाएंगे, ये क्या हुआ क्या है, कोई और शेर क्यों नहीं है, मसलन जब किसी फारसी शायर ने ये अशआर सैयद शुहदा के गम में कहे उसके बाद किसी फारसी शायर ने शेर नहीं कहे, एक से एक आलीशान शेर था क्या अरबी में नहीं कहे उर्दू में नहीं सब नहीं। यही शेर क्यों है यहाँ तो बस इसकी शान बयान करते हैं कि इन अशआर को पढ़ते वक्त जो अंजुमन मातम कर रही थी उसमें वक्त के इमाम को देखा गया, ये अशआर कीमती अशआर बन गए, इसको लोगों ने कदर की नज़र से देखा और इस बैनर के अंदर वो अशआर शामिल हो गए, वही वही जो नुआ था वो इसके अंदर शामिल हो। तो हाँ अगर आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो वो जो मेरे ख्याल में दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर वो मिसरा लिखा हुआ है, बाज़ इंची शोर शास्त्र, ये क्या गम है, ये क्या आवाज़ है जो दोबारा से उठी, तो इनके पीछे क्या मामला है, वैसे इसकी फारसी बहुत ज़बरदस्त है, नहीं फारसी का मामला नहीं है, ना जबान का मामला है, ना उसकी अदायगी के तर्ज का मामला है, ना इसकी लय का मामला है, इन सब के पीछे सिर्फ एक मामला है, इसके कहने वाले के अंदर कोई खुलूस है, उसको कदर की नज़र से देखा गया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ज़माने चलती रहती हैं, अल्फाज अदा होते रहते हैं, मजलिसें पढ़ी जाती रहती हैं, तकरीरें होती रहती हैं, इज्तिमाआत होते रहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ में कुछ लोगों का खलूस उस पाए का होता है कि वो जो महवर कायनात है उस पर तवज्जो दे। अब हम और आपकी ड्यूटी क्या है, अब यकीन मानिए हम जैसे बोलने वाले बालों का मजलिस पढ़ने वाले कसीदे पढ़ने वाले नौमे पढ़ने वाले मुंतज़मीन और दूसरे लोग कोई ये समझने लगते हैं जैसे ये काम हमारी जिम्मेदारी है, काम तो है हमारी जिम्मेदारी, काम के पीछे खुलूस उससे बड़ी जिम्मेदारी है। तो मिसाल के तौर पर जो यहाँ नजर बना रहा है, जो यहाँ चौकीदारी करता है, यहाँ पे खुदा खादिम झाड़ू लगाएगा, जो यहाँ पे मजलिस पढ़े, जो तमाम अफराद जिनको आप लिस्ट कर सकें, इसीलिए मैंने नज़र करने वाले के नाम से शुरू किया जिसको बेचारे को कोई देखता भी नहीं है, जो बकारा होता है उसे कौन देखता है, सर्व करने वाले को तो शायद कोई देख भी लेता है, पकाने वाले को कोई नहीं देखता है, या मतलब कोई जो चौकीदारी कर रहा होता है उस बेचारे को कोई नहीं देखता, वो जो हम लोग क्या मजलिसें बड़ी बड़ी मजलिसें होती हैं उसमें ट्रैफिक को जो गाइड कर रहा होता है उसको तो शायद कोई देख लेता है, लेकिन जो चौकीदारी के लिए किसी दूर किसी जगह पे खड़ा होता है उसे कौन देखता है, लेकिन इमाम ने क्या देखना है, इमाम ने नहीं देखना है मिंबर पे कौन बैठा है, इमाम ने देखना है कि यहाँ फर्श पर भी कोई खामोशी से खुलूस से कौन बैठा है,
बस वो जो परसों हमने आरज आपकी खिदमत में पेश किए उसके बाद आपके कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे सवाल किए थे मजलिस के बाद, उनमें सारी बात जो हुई वो यही हुई कि भाई हमारे पास कोई स्टैंडर्ड है जिसके तहत लोग इमाम के लश्कर में जाएंगे। वो जो स्टैंडर्ड है एक मरहले के बाद उसमें इल्म की दखालत है, एक मरहले के बाद उसमें पैसे की भी दखालत है, ताकत की भी दखालत है। मसलन लोग कहते हैं मसलन जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो क्या उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए होंगे? चाहिए होंगे, हर साइंटिस्ट चाहिए नहीं? क्या इमाम को ताकतवर नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, हर ताकतवर काम आ जाएगा नहीं? पैसे वाले चाहिए? हाँ चाहिए, हर पैसा काम आ जाएगा नहीं? चाहिए तो सबको है, सब कुछ चाहिए लेकिन बिला शर्त चाहिए। अगर बिला शर्त चाहिए होते ना तो सही तो शुहदा के पास इतने थोड़े से ना होते, ये तो बहुत ज्यादा हो सकते थे। लेकिन सैयदुल शुहदा ने जो शराइत लगाई हुई थी अपने और खुदा के दरमियान में, खुदा मुझे ऐसा बंदा अपने लश्कर में नहीं चाहिए, उन शराइत के साथ साथ चलने वाले इंतहाई कम हो गए थे। उन शराइत में जो सबसे बड़ी चीज सैयदुल शुहदा को चाहिए थी वो ये कि किसी गरज मरज से ना आए, वो आए तो सिर्फ खुलूस के साथ, खुलूस के साथ। ये जो खुलूस है ना इसके ना होने ने एक माना में हमारा जुलूस निकाल दिया है। उर्दू की खूबी बहुत गहराई है उर्दू में, ये इसने जुलूस निकाल दिया हमारा। इस खुलूस की पाबंदी अहले बैत के नजदीक कितनी थी उस पर मैंने एक दफा एक वाक्या सुनाया एक अशरा मजलिस के दौरान। अब उसमें जो बाज़ अफराद को जाकर उसका उसकी चोट लग रही थी, उनको ज़ाहिर है कि चोट लग गई जाके, तो उन्होंने हम पे इतराज़ किया कि मौलाना ये वाक़या मुस्तनद नहीं लग रहा। तो फिर मैं भी मजबूर हुआ कि फिर जाके उसकी इस्नाद ढूंढ लूँ, तो मैंने उसकी इस्नाद ढूंढ ली। वो इस्नाद निकाल कर मैंने जो मुंतज़िम थे उनको भेज दिया कि भाई अगर आपसे कोई पूछे तो आप जवाब दे दीजिएगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे व्हाट्सएप में होगा, तो मैं वाकया सुना देता हूँ इस तसल्ली के साथ कि अगर किसी ने इस्नाद मांगी तो मेरे व्हाट्सएप में होगा, उसे दे दूंगा। दुरूद भेजिएगा मुकम्मल वाले जो अहले बैत था अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के वाकयात हैं, ये बहुत कीमती वाकयात होते हैं। एक एक वाकये में 10-10, 15-15 दर्स निकल आते हैं। मैं जब मैं हाजिर था वहाँ पर एक कोर्स मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छा कोर्स था, वो था तकरीबन मास्टर्स के लेवल का, ग्रेजुएशन मास्टर्स तकरीबन इस लेवल का कोर्स आप समझ लीजिए, चूँकि थोड़ा सा मिक्स था इस वजह से मैं उसकी पाकिस्तानी एकेडमिक हायरार्की में उसके लेवल तय नहीं कर पाता, लेकिन तकरीबन समझ लें ग्रेजुएशन और मास्टर्स का एक मिक्स था। तो उसके अंदर जितने भी ह्यूमन साइंसेस थे जिनको सोशल साइंसेस भी आप ताबीर कर सकते हैं, उन सब का इंट्रो आता था, उन सब का इंट्रोडक्शन आता था। तो उसके अंदर जो इंसानी मिजाज की पेचीदगी है, मतलब आप एक सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए कितने वाकयात निकलेंगे उसमें से, ओ खुदा कहीं कोई नफ्सियात का वाकया निकलेगा उसको दर्स निकलेगा, कहीं समाज का कोई दर्स निकलेगा, कहीं इक्तसाद का दर्स निकलेगा, कहीं तदबीर का दर्स निकलेगा। इतने फैकल्टीज उसके अंदर खोलती हैं एक सूरह यूसुफ के अंदर। ये जो वाक़िया है ये बहुत कीमती वाक़िया है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। वाक़िया इस तरीके से है कि दो अरब कबीले थे, आपके जहन में है कि अरबों के अंदर कबीले से वफादारी भी होती थी जो बहुत अच्छी बात है। वफादार इंसान चाहे गलत से वफादारी ना करे लेकिन वफादारी होना एक अच्छी सिफत है। इस वक्त बदकिस्मती से इंसानों के अंदर जो एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है, मुझे किसी भी चीज़ से वफादार नहीं। पहले के लोग कम से कम अपने कबीले से वफादार होते थे, अलबत्त वो कबीला अगर दीन के खिलाफ आ जाए तो बाद औकात वो दीन को भी छोड़ के कबीले का साथ दे देते थे, ये उनकी गलत बात थी। जैसे कर्बला के वाक़े के अंदर हुआ, कूफियों ने बहुत सारे कूफियों ने इस वजह से सैयदुल शुहदा का साथ नहीं दिया कि उनके सरदारों ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को तस्लीम कर दिया था। अब
उनको चाहिए था कि अपने कबीले की वफादारी छोड़ते इमाम को साथ देते, लेकिन बदकिस्मती से वो कबीले की वफादारी इतनी सर के ऊपर चढ़ी हुई थी छोड़ दिया। तो ये वफादारी गलत है, इतनी वफादारी सही नहीं है, लेकिन एक खास हद में वफादारी अच्छी है। तो वो अरब थे, उसमें एक कबीला था असदी कबीला, आपने शायद नाम सुना हो, एक बहुत मशहूर अहले बैत के चाहने वाले शायर है फरजदक के नाम से। फरजदक का जो कबीला है असदी कबीला है, जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर का कबीला असदी कबीला, तो असदी कबीले की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। फरजदक के वालिद थे गालिब असदी, गालिब उनका नाम था, वो एक असदी कबीले की एक ब्रांच के सरदार थे। सही, इनके सामने एक और कबीला रहता था जिसकी जिसका नाम मेरे जान से निकल गया है, तारीख में लिखा हुआ, मेरे जान से निकल गया। अब वो जमाने में कूफा में कई कहद आ गया, ये सब कूफा के रहने वाले थे, दोनों इनकी ब्रांचेस कूफा के रहने वाले थे, कूफा में कई कहद आया। हमारे यहाँ जब कहद आता है तो वक्त सख्त वक्त पड़ता है गंदुम पे, चावल पे, वहां जब कहद आता था तो सबसे सख्त पड़ता था जानवरों पे, क्योंकि वहां ज़रात ऐसा नहीं होती थी, वहां तो जानवर का दूध पीते थे, गोश्त खाते थे, उससे होता था, तो या मतलब खजूर खाते थे, वहां ज़रात इतनी ज्यादा नहीं थी। वहां जो कहद आया तो गोश पड़ता था जानवर के ऊपर कि भाई अब क्या होगा। जानवरों में सबसे मशहूर जानवर कौन है? ऊंट, वहां का सबसे मशहूर जानवर। तो लोगों की जो एसेट्स होते थे वो ऊँटों में गिने जाते थे कि इस बंदे के कितने एसेट हैं, तो पूछते थे भाई इसके पास ऊँट कितने हैं। फिर ऊँटों में भी मशहूर ऊँट था सुर्ख ऊँट, वो सुर्ख ऊँट कितने हैं इसके पास, पनानी ऊँट कितने हैं इसके, ये होता था। बहरहाल सख्ती का वक्त आया कब, अरब के अंदर कूफे में कहती का वक्त आया, या तो असदियों ने या दूसरे कबीले के सरदार ने एक जानवर कुर्बान किया, ऊंट कुर्बान किया, तो उसने ऊंट का गोश्त कुर्बान करने के बाद कुछ तो अपने कबीले वालों के अंदर तकसीम किया, कुछ दूसरे कबीले के सरदार को तोहफे में दे दिया। ऐसी जैसे हमारे यहाँ यूं ही भेज देते हैं, खाना भेज दिया। अब जब मैं आप अपने खाना किसी हमसाये को भेजते हैं तो क्या उसके मुस्तहिक होने की वजह से भेजते हैं? नहीं, ऐसे तोहफे में दे दिए। अब ये अल्लाह जानता है कि उसकी नीयत क्या थी। जिसके घर में गोश्त आया उसको बहुत बुरा लगा, उसने इस मामले को अपनी तौहीन समझा, उसने कहा कि इसने हमें भूखा समझा कि हम इसके चंद किलो गोश्त के मोहताज हैं, इसने हमें इस तरह करके गोश्त भेजा है, तो उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने दो ऊँट कुर्बान किए कहती के ज़माने में, और दो ऊँट कुर्बान करके उसका गोश्त उसके सामने वाले के कबीले के यहाँ भेज दिया कि तुमने हमें एक ऊँट का गोश्त दे के जलील करना चाहा था, हमने दो ऊँट भेज दिए। उसने देखा कि अब तो भाई ये तो मेरे पर, मैंने तो ऐसे दिया था वैसे दिया था, इसने गड़बड़ कर दी, इसने दो ऊँट, उसने कहा चार ऊँट कुर्बान करो इसकी तहसीस की हजरत के साथ। तो उसने चार ऊँट कुर्बान करके भेज दिया, उसने कहा अच्छा तो फिर ऐसा करो कि आठ ऊँट लगा दो। अब कैदी के जमाने में दोनों अकलमंद अपने अपने एसेट्स कुर्बान कर रहे हैं किसके लिए? इधर आठ हुए, उधर सोलह हुए, फिर बत्तीस हुए, फिर चौसठ हुए, बात सौ से ऊपर चली गई। चौसठ तक आते आते भी कई सौ कुर्बान हो चुके थे। जब बात सौ पे आई तो दूसरा वाला जो कबीला था उसके लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा सरकार बस करो, हम मारे जाएंगे, ये हमारे एसेट्स हैं, कल कहत खत्म हो जाएगा, इनसे हमारे बच्चे होने, ये जो अब आप मरवा रहे हो ये हमारी नस्लें रोएंगी फिर इसके ऊपर, क्योंकि भाई जब तक आप नर मार रहे हो चलो बात समझ में आती है, अब आप मादे मारना शुरू कर दोगे ये तो सर बिजनेस खत्म हो जाएगा हमारा। उन्होंने खैर कबीले के सरदार को समझाया, पता नहीं वो गालिब सदी का मामला था दूसरे वाले कबीले का था, उसने शिकस्त मान ली। उसने कहा भाई ये मामला हमारी शिकस्त हो गई खत्म, अब उसकी गोया नाक कट गई। अच्छा, अरबों के अंदर मुसीबत ये थी कि ऐसे किसी वाक्य के ऊपर फौरन मुखालिफ कबीले का शायर दो शेर बोलेगा और हिस्ट्री में उसने रिकॉर्ड करा दिया। अब मुसीबत तो सामने वाला जो कबीला था उसके शायर ने फौरन दो शेर बोले कि तुम वही हो जिसकी नाक कट गई थी, ये था वो था, तुम सौ सौ ऊँटों के ऊपर मारे गए थे,
अब रिकॉर्ड में सब तो गया। अब मुसीबत ये थी कि इस शायर के अशआर जब भी पढ़े गए और कहीं ये शेर किसी ने दोहरा दिया तो इस कबीले की बेइज्जती उसने करवा दी, ये मुश्किल बन गई। कुछ अरसे के बाद कूफे में कहत खत्म हो गया, फरावानी हो गई, हरियाली आ गई, जानवर बढ़ने लगे, जो रिस्क था वो खत्म हो गया। किसी महफिल के अंदर लोग भूल गए थे उस वाक़े को, मसलन किसी अकलमंद ने गोया वो अशआर पढ़ दिए जिसमें इस कबीले की बेइज्जती आ गई। जैसे उसने अशआर पढ़े मुखालिफ कबीला फौरन जाग गया, तुम ही हो ना वो जिसके इसके सरदार के पास लोग आए, लोगों ने कहा कि सरदार ये हमारी जो बेइज्जती पिछली दफा हुई थी अब ये तो बेइज्जती अभी चल रही है, मौका अच्छा है अभी इस बेइज्जती को खत्म करा लो, अभी हरियाली है, 100 ऊंट से ऊपर कुर्बान करो, जान छुड़ाओ। उसने कहा बात तो सही है, कल किसी और बेइज्जती में ये और डालेंगे तो हमें अभी 100 ऊंट कुर्बान करो, जान छुड़ा। उसने कहा 100 ऊंट कुर्बान कर दो, अब किसको दे 100 ऊंट, दुश्मन को देने को तैयार नहीं है। तो उसने कहा 100 ऊंट कुर्बान करो, कूफा के चौराहे पे लोगों से कहो जिसको ऊंट जिसको गोश्त खाना है ले जाए, और शान शौकत दिखा दी उसने। सिर्फ एक मुश्किल थी, अब दौर है मौला अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत ज़ाहिरी का, दुरूद भेजे मोहम्मद करने के लिए 4-5 गाय काटते हैं वो जगह भर जाती है, 100 तो बहुत होता है। लोगों ने इमाम के पास जाकर कहा कि मौला वो चौराहे पे तो एक तूफान मचा हुआ है, वहां पे 100 ऊंटों का गोश पड़ा हुआ है, और अब बताया करना क्या है इस ऊंटों के साथ। यहां मेरा पॉइंट, इमाम ने फरमाया इस गोश्त में से खाना हराम है, ज़बीहा नहीं था क्या? ज़बीहा तो था। तो इमाम ने कहा कि ये ऊंट फी सबीलिल्लाह कुर्बान नहीं हुए हैं, ये ऊंट जाली फख्र व मुबाहात पे कुर्बान हुए, इसमें से खाना हराम है। जो रेफरेंस मेरे पास था ना उसमें लिखा था कि 100 ऊंटों का गोश्त शहर के बाहर फिकवा दिया जिसको कुत्तों और बिल्लियों ने खाया, सही है। मैं आपसे और अपने आप से एक सवाल पूछूंगा, हमारी कितनी दावतें ऐसी होती हैं जो फी सबीलिल्लाह होती हैं और कितनी ऐसी होती हैं जो फख्र मुबाहात की होती हैं? अब दावतों में थोड़ा सा मजहबी टर्न भी लगा दो, कुछ तबर्रुकात भी फख्र मुबाहात के लिए होते हैं। इमाम उन तबर्रुकात को कबूल करेंगे? आप यकीन फरमाइए ये जो दीन की तासीर हमारी नई नस्लों पे कम पड़ेगी उसकी एक वजह ये मुश्किल है, हमारे अजदाद में हमसे ज्यादा खलूस था, हमारी मस्जिदें बड़ी हो गई हैं, हमारी मजलिसें ज्यादा पुरजमियत हो गई हैं, वो लोग मजलिसों पे इतना पैसा नहीं लगाते होंगे जितना हम लगाते हैं, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल हो गई है, उनमें खलूस हमसे कहीं ज्यादा था। उसकी वजह से उनके एक एक जुमले पर वो एक बात इंचो शोरी शास्त को पता चला, वो जुमला खुशबू शेख अब्बास कुमी ने एक किताब लिखी वो पता चला वो हर शिया के घर में पढ़ गए। इसमें असल पहलू क्या है? असल पहलू खलूस है। मैं और आप परसों हमने जिक्र किया था ना, हमें अपने इमाम की नुसरत के लिए तैयारी करनी है, वो तैयारी क्या करनी है? तो हमने आपसे अर्ज किया था कि भाई जो इमाम को पसंद नहीं है कम से कम वो तो छोड़ दो, सही। अब मैंने कहा था कि मैं आपको परसों तफसील बताऊंगा, अब ये तफसील है।
जो छोड़ दो वो ये नियत है जो खुदा की खातिर नहीं है। हर वो बुरा काम वो तो छोड़ ही दो चूंकि इमाम को पसंद नहीं है, हर वो अच्छा काम भी सही करो जिसमें नियत इमाम के लिए अल्लाह के लिए नहीं थी, नियत गलत हो कबूल नहीं। और ये मैं आपको अर्ज कर दूं, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम, ये खुद उस काम से ज्यादा मुश्किल है जिसके लिए ये नियत की जाती है। ऊंट काटना मुश्किल नहीं है, नियत सही रखना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल सारी ये है कि कबूलियत का दारोमदार अमल नहीं है, नियत है। इन्नमल आमाल, हम सबको पता है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। हमारे पास दोस्त अहबाब घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, तो बताते हैं मौलाना हमने औलाद के लिए ये किया, हमने औलाद के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, फिर भी नहीं समझे, फिर भी बिगड़ गए। क्यों भाई क्यों बिगड़ गए? नहीं मालूम क्यों बिगड़ गए। हकीकत यह है कि हमें भी नहीं पता क्यों बिगड़ जाते। एक वजह जो हमें समझ में आती है कि बच्चे बहुत तेज होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी तेज होते हैं। ये बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि हमारे माँ बाप की असली नियत कहाँ पर। इस मामले में जो हम कहते हैं ना बच्चे मासूम फरिश्ते होते हैं, तो मुझे लगता है बच्चे मासूम फरिश्ते वो मुनकर नकीर वाले होते हैं। जैसे मुनकर नकीर को पता चलता था ना इनकी नियत है क्या, ये है तो फरिश्ते लेकिन है लगता है मुनकर नकीर की नजर वाले फरिश्ते। इनको इतनी तेजी से पता चल जाता है कि हमारे अम्मा अब्बा जो कुछ कर रहे हैं इनकी असली नियत है। थोड़े अरसे के बाद ये भी हमारी तरह नियतों में ढल जाते हैं, फरिश्तों का टाइटल इनका भी पता हो जाता है। आपको और मुझे जो काम जिंदगी में करना है सबसे कीमती काम वो ये कि हत्तल इम्कान अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल बढ़ा लें जिनके बारे में मैं और आप ये कह सकें कि मौला ये आपके लिए किया था, ये सिर्फ आपके लिए। ऐसे अमाल की निशानियां क्या होनी चाहिए? एक दो निशानियां अर्ज करता हूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। मुझे नजर आता है कि यूं लगता है, जब मैं कहता हूं यूं लगता है इसका मतलब ये है कि भाई अब तक यहां तक मेरी अकल पहुंच रही है, उनके सही ना हो। जो मुझे समझ में आता है बहुत कोई चैंपियन चाहिए जो लोगों को बता भी दे और नियत फिर भी अच्छी रहे। बस पहली चीज मेरे नजदीक, पहली चीज अच्छे काबिले कदर पुरखलूस काम की क्या होनी चाहिए? लोगों को इतला मत। आप कहें ये जरूरी है कि ना बताओ? नहीं जरूरी नहीं है, बताकर भी बाज़ औक़ात अमाल कबूल हो जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। बताने में कहीं ना कहीं हेरा फेरी हो ही जाती है। तो पहली शर्त मेरे नजदीक ये है कि भाई हत्तल इम्कान कोशिश करो अच्छे काम की इत्तला दूसरों को मत दो, खामोशी से करो। और ये जो खामोशी से सदका है आप यकीन फरमाइए, हमारे पास रिवायत मौजूद है नहजुल बलागा में कलिमात क़िसार के अंदर मौला का फरमान मौजूद है, फरमाया कि ये जो मख्फी सदका है, मख्फी सदका ये हमारे फैसले करने की सलाहियतों को सही कर देता है। ये जो मैंने एक जुमला मौला का अर्ज किया है इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है और वो मैं अभी आपका टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ इशारतन अर्ज कर दूं, अल्लाह इसमें बरकत दे दे। और मैं आपका वक्त थोड़ा सा ले रहा हूँ लेकिन इसमें एक मसलियत मिल जाएगी हमें इंशाअल्लाह। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। बातों का कोई मुश्किल बात कहनी होती है तो मैं उसको थोड़ा सा हंसी मजाक में रख के कह देता हूँ ताकि कोई ज्यादा लोगों के दिलों पर जाके चोट ना लग जाए, फिर बाद में वो चोट वहां से यहाँ पे भी आती है तो जरा उसको भी पहले से ही दबा दिया जाए। भाई फर्ज कर लीजिए मैंने जब शादी की तो मेरी उम्र 23 साल थी,
इस शादी के सारे नतायज शादी करते वक्त मुझे पता थे कि क्या होंगे? फर्ज कीजिए कोई हमारा जवान बच्चा 18 साल 20 साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़ के एक मुल्क चला गया, इसको सारे नतायज पता थे कि जहां जा रहा है वहां पे क्या होगा? नहीं। मुश्किल सारी ये है कि हमारी जिंदगी के जो अहम तरीन फैसले हैं वो 4-5 से ज्यादा नहीं है। यकीन मानिए आप, जिंदगी के अहम तरीन फैसले 4-5 से ज्यादा नहीं है। बाकी क्या है? बाकी उन अहम फैसलों के नतीजे हैं, उनमें भी छोटे छोटे फैसले आते रहते हैं, लेकिन असली फैसले 4-5 में ज्यादा कह रहा हूं। मसलन 17 साल की उम्र में मैं ईरान दीनी तालीम हासिल करने गया, उस फैसले का असर अब तक मेरी जिंदगी पर है या नहीं? 40 साल हो गए, मैं नहीं निकल पाया उससे। आप कहेंगे नहीं, बीच में भी बहुत सारे फैसले किए होंगे, उस फैसले के बाद है। अगर वो फैसला यहां कर लो जिंदगी कुछ और होती। मसलन 17 साल की उम्र में ये एक फैसला कर लिया, अच्छा जब मैं 17 साल की उम्र में ये फैसला कर रहा था तो उसके सारे नतीजे मुझे पता थे? कतअन नहीं पता थे, कतअन नहीं पता थे। कैसे गारंटी रखूं कि ये फैसले सही होंगे? ये गारंटी मुझे कौन देगी? अच्छा मैंने जिंदगी में जितने फैसले किए होंगे सब सही किए होंगे? नहीं, गलत भी किए होंगे। बाद मैंने सही फैसले किए होंगे, बाद में जाके कोई गलती कर दी होगी। बाद गलत फैसले किए होंगे, बाद में जाके उनको सही कर लिया होगा। सही है, ये सब मैंने शऊर के साथ किया होगा। इस खातिर मैं अर्ज कर रहा हूं, हमें हर फैसले के पीछे खुदा की पनाह चाहिए होगी। खुदा मदद दे हमें, वरना ये फैसले सही नहीं होंगे। इमाम फरमा रहे हैं अगर तुम मख्फी सदका देते रहो खुदा तुम्हारे गलत फैसलों को भी संभाल दे। मैं सारे फैसले अपनी अकल से सही नहीं कर सकता, और ये मैं आपको बता दूं, ये जो बड़े बड़े दावे होते हैं ना फला, अब जैसे आप लोग तो मामूलन मेरे जैसों के सामने जो अपने देसी मुल्कों से आते हैं तो फौरन कहते हैं मौलाना ये जो मुल्क है ना ये 100-100 साल की प्लानिंग करते हैं। सही, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे नहीं नहीं होता है, होता है, छोड़ दो मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं होता है ऐसा। होता क्या है, सब ने अपने फैसलों के अंदर एक मार्जिन रखा हुआ होता है कि ये गलती हो सकती है, सबको पता होता है। उस गलती के मार्जिन को कोई पूरा नहीं कर सकता, वो लेके चलना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पर ये लोग कभी रिस्क नहीं लेते, लेते हैं बहुत रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। मसलन जब ये इस मुल्क की तारीख तो डेनमार्क तो सैकड़ों साल पुरानी है। मैं आपसे पूछता हूँ, इन लोगों ने अपनी प्लानिंग में 1875 में ये सुना था कि पहली जंग अजीम हो जाएगी 1914 में? नहीं, हो गई। जब पहली जंग अजीम से फारिग हुए थे तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि 1939 में एक और दूसरी जंग अजीम भी हो जाएगी? नहीं, फिर हो गई। हमारे पास किसी ह्यूमन रिकॉर्ड के अंदर पहली और दूसरी जंग अजीम के बारे में प्रेडिक्शंस भी नहीं है इस तरह से कि कौमों ने ये सोचा था कि पहली और दूसरी जंग अजीम होनी है। उनका मतलब क्या है पहली दूसरी जंग अजीम का? इस वक्त दुनिया की आबादी 8 अरब है, 8 अरब आबादी। इस वक्त की आबादी में भी अगर मैं आपसे कहूँ एक जंग हो गई जिसके अंदर 5 लाख आदमी मर गए, जंग छोटी होगी या बड़ी होगी? और अगर मैं आपसे कहूं कि एक जंग हुई थी 70 साल पहले जिसमें 3 करोड़ बंदे मरे थे, ये पहली जंग अजीम दूसरी जंग अजीम, ये प्रेडिक्शन में थी क्या? संभालना पड़ता है साहब। हमारी और तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है, हमें पता नहीं होता अभी क्या होने वाला है। तो इमाम फरमाने क्या, इमाम ये फरमाने तो अपनी अच्छाइयों को मख्फी करो, अगर तुम अपनी अच्छाइयों को मख्फी कर लोगे खुदा तुम्हारे गलत फैसलों को भी संभाल लेगा। कोई दुनिया का इंश्योरेंस मुझे और आपको वो इंश्योरेंस नहीं दे सकता जो मख्फी सदका दे सकता है।
बस पहली शर्त क्या हो गई, इमाम के नज़दीक जाना है, दीन की खिदमत करनी है और उस निज़ाम अदल में साथ देना है। पहली शर्त ये अच्छाइयाँ बढ़ाओ पुरखलूस, और पुरखलूस की पहली शर्त ये हत्तल इम्कान कोशिश करो पब्लिक को इत्तला ना होने। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला। दूसरी शर्त ये जो नस्लें यहाँ तरबियत पा रही हैं, खुदा हमारी और आपकी सबकी नस्लों की बेहतरीन हिफाजत फरमाए, इंशाअल्लाह हमारी नस्लों को अहले बैत और कुरान के खादिमों में से करार फरमाए, और इन नस्लों को आपके बुढ़ापे में आपके दिल की तसल्ली का सबब करार दे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले। एहसास करता हूँ कि वही बार बार याद दिलाता हूँ, ट्रैवलिंग की वजह से तजुर्बे होते रहते हैं। मैं एक अजीब बात यह एहसास करता हूँ, मैं सब पाकिस्तान में देखता हूँ, हिंदुस्तान में देखता हूँ, हत्ता ईरान और इराक में देखता हूँ। आप इराक में देखते हैं मशीन में बेचारे इराकी कैसे खिदमतें कर रहे होते, ठीक है ना, गर्मी हो सर्दी हो उनको कोई गरज नहीं, खिदमत। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मगरबी ममालिक में पलने वाले हमारे बच्चे ऐसी बेलौस मशक्क़त जिसमें कोई शुक्रिया भी ना कहे, इसको सोच सकते हैं? नहीं। क्या क्यों ऐसा हुआ? यहाँ पे नस्लें बन गई हैं छुई मुई की नस्लें। पहले दिन से ये सिखाया है कुर्बानी देनी ही नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटाइटलमेंट, हक बहुत ज्यादा है कुर्बानी नहीं देनी। ये क्यों आपको नस्लों को पालने में मुश्किल पेश आती है? पहले जो नस्लें थी ना उनको ये पता था कि ये जो हमारे माँ बाप है ना इनके पास हक है और हमारे पास कोई टाइटल नहीं। अब उल्टा हो गया, अब नस्लों के पास टाइटल है और इनके पास कोई हक नहीं है। छुई भी लगाई आपने, यूं भी किया, उसने कॉल करनी है और आप खुदा ना करे किसी मेहमान खाने में। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने नस्लों को छू मुई की नस्ल बनाया, कुर्बानी का जज्बा इनके अंदर से निकाल दिया, कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। छोटा सा भी अगर कोई काम कर लेता है ना तो वो चाहता है 25 लोग मुझे थैंक यू बोले। अब मैं एक अजीब बात देखता हूं, भाई मुझे याद नहीं आता मैंने अपने अब्बा को कभी कहा हो या अपनी वालदा को कहा हो मैं आपको बहुत चाहता हूँ, ना मेरे वालिद ने मुझसे कहा, ना मेरी मामा ने मुझसे कहा, वालदा ने मुझसे कहा कि आई लव यू नहीं कहा। यहाँ हर बच्चे को उसका बाप 25 दफा बोलता है, फिर भी जब वो 19 साल का होता है तो इसको छोड़ के भाग जाता है। बच्चों और माँ बाप का तो छोड़ दो, यहाँ तो दो जो दो साथ खड़े होते हैं वो एक दूसरे को आई लव यू कहते कहते मर जाते हैं, और उसके बाद एवरेज इस मुल्क के अंदर शादी की बका 50% है 2 साल के बाद। 2 साल के अंदर अंदर 50% गायब, वो कहाँ गए वो जुमला? इससे बेहतर था तो कितना बोलते, कोई अनहोनी बात तो नहीं कर रहा आपके साथ, सही बात है ना? क्यों ऐसा हुआ? कुर्बानी देना नहीं सिखाया, कुर्बानी देना नहीं सिखाया। अच्छा हमारा दीन क्या कहता है? हमारी सकाफत भी ऐसी है, हमारी बरसगीर की सकाफत, उसमें ये होता है बेटा कुर्बानी दो। माँ एक दिन थप्पड़ मार दी थी, दूसरे दिन सामने उसी दिन जिस दिन थप्पड़ मारा है उसी के 1 घंटे के बाद कहती थी ये काम कर लो, बच्चा भागा भागा जाता था कर लेता था, उसको याद भी नहीं रहता था माँ ने 1 घंटे पहले थप्पड़ मारा था, ऐसा नहीं था। अब इधर किसी को मार के देखो, 25 साल का याद दिलाएगा, बाबा आप बहुत अप्रेशर थे, आप बहुत मुझे अब्यूज करते थे, क्यों आपने उस दिन थप्पड़ मारा? मैं नहीं कह रहा थप्पड़ मारना सही है, मैं नहीं कह रही, मुश्किल ये हो गई है, हमने बच्चों को एंटाइटलमेंट दे दी और ये नहीं सिखाया कि भाई कुर्बानी भी देनी होती है। हमारे मामले में तो चलो चल जाएगा यार, हम लोग बूढ़े होके मर जाएंगे, दीन का क्या होगा?
दीन में कुर्बानी देनी पड़ती है भाई। हमारा साथ ना दे ना दे कोई मसला नहीं है, मसला तो है लेकिन चलो हम, मैं तो कह रहा हूं कब तक हम जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे ना हम, तो दीन तो इनके साथ जिंदा रहेगा। जब इनको कुर्बानी देने की आदत ही नहीं है तो दीन के नाम पे कुर्बानी देंगे, ये मुश्किल आ गई है। अब मुझे नहीं पता कि इस मुश्किल को आपको और मुझे हल कैसे करना है कि भाई इन बच्चों को और अपने आप को, अपने दिमाग में भी हम अपने आप के लिए भी इस बात को याद रखें कि भाई कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब देखिए मैं एक चैप्टर निकालता हूँ, एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, कैसे हमारा ये दीन हमें सिखाता था और कैसे हमने उस दर्सगाह का दरवाजा बंद किया। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाला, पर जिसको हमारे यहाँ उर्फ आम में गलत ईद उज़ुहा कहते हैं, ईद उल अज़हा इसका सही तलफ़ुज़ है, ईद उल अज़हा पे जानवर कुर्बान करने के कुछ आदाब हैं। उन आदाब में ये है कि जब इंसान जानवर के गले पे छुरी फेरे, एक तो एक खुद फेरे कसाब को ना दे, पहले खुद फेरे, बाद में थोड़ा सा फेर के कसाब को दे चल जाएगा, लेकिन पहले खुद फेरे, फेरते वक्त अल्लाह से अहद करे, खुदाया आज मैं तेरी राह में जानवर कुर्बान कर रहा हूँ, कल जरूरत पड़ी तो अपना खून बहाऊंगा। अहद करें कि खुदाया आज मैंने अपना पैसा खर्च करके जानवर खरीदा है जिसको तेरी राह में कुर्बान कर रहा हूँ, कल जरूरत पड़ी तो अपनी औलाद भी दूंगा। ये ईद के जानवर की कुर्बानी के पीछे था, अब है जिस तरह यहां क्रिसमस के नाम पर सिर्फ नफ्स परस्ती रह गई है, हमारे यहां ईद उल अज़हा के नाम पर सिर्फ नफ्स परस्ती रह गई। अज़हा यानी कुर्बानी, कुर्बानी है ही नहीं वहां पर, सिर्फ नफ्स परस्ती है, कौन सा खाना खाना है, किस टाइप का खाना खाना है, किस यहां कितना खाना खाना है, सिर्फ नफ्स परस्ती, किस जानवर से शो जमेगी, किस जानवर से लोगों को पता चलेगा मेरे पास भी कुछ है, मेरा जानवर पूरे मोहल्ले के अंदर सबसे बड़ा माल हुआ हुआ था, बस बस कुर्बानी का जज्बा कहाँ है भाई। और फिर बोलते हैं इसकी याद में जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान किया था, उसमें कुर्बानी के सिवा कुछ नहीं था, तुम क्या कर लो, कौन सी कुर्बानी दे रहे, पैसे तक की तो कुर्बानी नहीं दे रहे, वो भी शोबाजी में लगा रहे हो, दीन कहाँ बचता है। पहली शर्त हो गई पुरखलूस काम करो, खामोशी से करो। दूसरी शर्त क्या हो गई, कुर्बानी का जज्बा रखो। सब के सब अपने अपने कंफर्ट्स में बैठे हुए, कोई टफ टाइम लेने को तैयार नहीं है और समझ रहे हैं दिन चलता रहेगा, नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं चल सकता ऐसे, कोई ना कोई टफ टाइम किसी ना किसी को लेना पड़ता है। और जब सब ये सोचने लगते हैं ना मैं अपनी सुकून आराम चैन कुर्बान नहीं करूंगा, आप यकीन मानो उस माशरे के अंदर दीन खत्म हो जाता है। अच्छा एक अजीब बात है, दीन खत्म हो जाता है क्या मतलब, मजलिसें बंद हो जाती, नहीं मजलिसें बंद नहीं होती है, रस्म और रिवाज चलता है, दीन खत्म होता है, रस्म और रिवाज चलता रहता है। तो आपको और मुझे वाकई दीन चाहिए जिसके जरिए हम अपने इमाम की नुसरत करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुर्बानी का जज्बा लाना पड़ेगा, कुर्बानी का जज्बा लाना। अब आप और मैं अपने अंदर जाके देखें भाई हमें अपने बच्चों को कुर्बानी का जज्बा कैसे सिखाना। और सबसे पहले वो मैं जिस बंदे से बात करता हूँ कहते हैं मौलाना कोई तरकीब बताए हमारा बेटा इमाम के आबान अंसार में पहुंच जाए, तो मैं उससे कहता हूँ भाई सबसे पहली तरकीब यह है कि तुम आबान अंसार में पहुंच जाओ, अपनी दुनिया और बच्चों की आखिरत के लिए परेशान है, तुम अपनी भी तो आखिरत के लिए परेशानियां उठाओ, अपनी तो दुनिया के लिए परेशानी उठा रहा है और बच्चे की आखिरत बनाना चाह रहे, अपनी दुनिया को देखते रहोगे तो फिर उसकी आखिरत कहां से बनेगी, उसकी भी दुनिया ही बनेगी, फिर अपनी भी तो आखिरत सोचो। तो दूसरी पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि भाई आपको कुर्बानी देनी पड़ती, अब वो कुर्बानी आप कैसे देंगे, सादा सा एक जुमला है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, आप भी कहते हैं कंफर्ट जोन, आपका एक कंफर्ट जोन होता है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो,
मैं एक मिसाल अर्ज करता हूँ, अपने ऊपर रखिए, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले हमें। जो लोग मजलिसों के लिए बुलाते हैं उनमें कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनको हम अच्छी तरह पहचानते हैं कि हमारी उनके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करती है। हमें पता होता है कि भाई यहाँ पे जाएंगे कोई चैलेंज नहीं होगा, अपने सारे दोस्त अहबाब में हमारी उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, समझ रहे ना आप सबको। लेकिन बाज जगह कोई ऐसी जगह बुला देता है जहाँ हमें पता होता है कि हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, इसको कहते हैं चैलेंज, इसको कहते हैं चैलेंज। बेटा मैच करने का मतलब होता है एक जैसी होना, एक जैसी होना। तो अगर एक जैसी नहीं होती है तो चैलेंज होता है। तो मुझे एक ऐसी जगह बुलाया किसी ने जहाँ पर कुछ और भाइयों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, और लोगों ने मुझे समझाया कि देखो मौलाना आप तो वैसे ही दर्स देते हो, मजलिस तो आप पढ़ते ही नहीं हो, आप अगर वहाँ जाके पढ़ोगे इतना बुरा होगा कि फिर आप शायद मजलिस ही ना पढ़ पाओ। तो मैंने सोचा कि मैं सारी ऐसी जगहों पे जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे सुकून सुकून आराम आराम मिले, दो जगह वो भी जाऊँ जहाँ थोड़ी सी सख्तियाँ छोड़ूँ, मैं क्यों छोड़ूँ। ठीक है एक बुरा तजुर्बा होगा, ठीक है क्या हो जाएगा, बहुत हुआ खड़े होकर को उल्टी सीधी बात कर देंगे कर लें। जब ऐसी कोई बात होती है उसमें से कुछ मेरी कमजोरियों के नतीजे में होती है तो उसमें मैं किसी को गिला नहीं कर सकता, मेरी कमजोरी होती है, मैंने उस गलती को झेलना होता है। और अगर मेरी कमजोरी नहीं होती तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि भाई अहले बैत ने इससे ज़्यादा सख्त झेला है, तुमने क्या झेला है। किसी एक ने खड़े होकर दो चार सख्त बातें कर दी, इसमें क्या होगा, अहले बैत तो आपके खाते बाजारों में थे, तुम कौन हो, चार पाँच सब ठीक हो, गालियां दे रहे हैं ना ज्यादा ज्यादा, क्या कर लेगा, चमाट मार लेगा और क्या कर लेगा, जान से मार देगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। कौन सी चीज अहले बैत ने नहीं खेली, खेल लो। मैं भी कह रहा हूँ हमेशा शायद नहीं कर पाऊंगा, इसको हम कहते हैं कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना। कभी अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन से भी तो बाहर निकलो। किसके नाम पे निकलते हैं हम लोग निकलते हैं पैसे कमाने के नाम पे, दीन के नाम पे, फिर पता चलता है कितने पानी में। और इस सिलसिले की आखिरी बात क्या कि आपकी सहमत हो मैं तमाम करूं, भाई फर्ज करो कि मुझे एक दौड़ में किसी ने शिरकत की दावत दे दी है, वो दौड़ है 40 किलोमीटर की जिसको हम लोग मैराथन कहते हैं, सही। और मैं उन लोगों में से हूं जो रोजाना 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ते और मुझे दावत मिल गई है 40 किलोमीटर की दौड़ की। आज मिसाल के तौर पर मसलन शायद 10 दिसंबर है, फर्ज करो ये दौड़ होनी है 1 फरवरी को, अब मेरे पास है 1 महीना 20 दिन। अब दो रास्ते मेरे पास, मैं अगले दिन से शेड्यूल बनाऊ कि भाई तुम 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो ना, कल से दौड़ना शुरू करो और हर रोज 50 मीटर बढ़ाना, तो इंशाल्लाह 1 फरवरी तक आते आते 40 किलोमीटर का स्टेमिना बन ही जाएगा। एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता ये कि कतन परेशान मत हो, सोते रहो, जो 1-2 किलोमीटर दौड़ लेते वो भी छोड़ दो, 1 फरवरी को इंशाल्लाह 40 किलोमीटर दौड़ ही लेंगे। ये दूसरा हो सकता है क्या, नहीं। ये दूसरा, अगर कोई ये दूसरा करे इसको हम कहते हैं सुसाइडल मिशन, खुदकुशी का तरीका है। आप 40 किलोमीटर नहीं दौड़ पाओगे, 5 किलोमीटर में हरकतें कल बंद होने की वजह से बाहर आ जाओगे। इमाम तशरीफ लाएंगे, पूरी दुनिया के कुफर को चैलेंज करना है, कायनात के बदतरीन दुश्मनों से इमाम ने लड़ना है। इस लश्कर में मैंने और तुमने जाना है जिसने सर्दी में सर्दी उठाने की मशक्कत भी नहीं सही है, गर्मी में गर्मी खाने की मशक्कत भी नहीं सही है। और मैं कह रहा हूं मैं इंशाल्लाह 1 फरवरी को 40 किलोमीटर दौड़ के दिखाऊंगा। कैसे हो सकता ये, बस सोच लीजिएगा। ये मेरी आखिरी बात इस सिलसिले में यहां पर कि
आपकी खिदमत में गोश गुजार कर दो कि देखिए भाई, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे दीन के नाम पर, ये कहानी ऐसे आगे नहीं चलने वाली। आसाइशों में खुदा ने दीन नहीं रखा। इदा मुहसु बिल बला कल तयनु अन्नास अबीदु दुनिया। सैयद शुहदा ने आशूर के दिन इरशाद किया, अन्नास अबीदु दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं। والدين لائق على السنتهم, دین ان کی زبانوں پہ گھومنے والا ایک ہوتا ہے۔ واذا محسوا بالبلاء, اور جب یہ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں, قد تیانون, تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اور ابھی پتہ نہیں کتنی باتیں اس سے ایسوسیٹڈ آ رہی ہیں, لیکن میں آپ کا کیا حال ہے, میں کیوں وقت دوں گا آپ کا, فکرز ورکنگ ڈے بھی ہوگا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر تک سمجھ رہے تھے کہ میں اسدی قبیلے کے پاس جا کر سید الشہداء کے لیے مدد مانگوں گا, اسدی آ جائیں گے۔ حضرت حبیب اسدی قبیلے کے بڑے آدمی تھے۔ یہ جو حضرت حبیب کوفہ سے نکل کر کربلا پہنچ سکے, جبکہ جگہ جگہ عبید اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے تھے, کیسے پہنچے تھے؟ چونکہ یہ اسدی قبیلے کے بڑے سردار تھے, پورے راستے میں جہاں کہیں اسدی بیٹھے تھے وہ اپنے سردار کو پناہ دے رہے تھے, اور اس طرح چھپاتے چھپوتے وہ اسدی والے سید الشہداء کے پاس گیا, یا حبیب ابن مظاہر کو پہنچا دیا ہوا۔ لیکن جب حبیب ابن مظاہر انہی اسدی لوگوں کے پاس گئے جنہوں نے ان کو پناہ دے دے کر یہاں تک پہنچایا تھا, اور ان کے پاس گئے کہ مولا کا ساتھ دے دو, نہیں آئے, یہ لوگ نہیں آئے۔ ہر ایک نے اپنی ایک لمٹ بنائی ہوتی ہے, اتنا تک دین کے ساتھ ہوں, اس کے بعد ختم۔ اور جو آزمائش ہوتی ہے وہ ہماری مرضی سے لائن نہیں بناتی ہے کہ ہمیں آزمائش کے لیے لائن وہی دی جائے جو ہم نے پسند کی ہے, نہیں, آزمائش میں لائن اوپر جاتی ہے, اس میں جگر کے ٹکڑے دینے پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو سید الشہداء نے قربانی دی, میں ایک جملہ بہت عرض کرتا ہوں, سید الشہداء نے جو بھی قربانیاں دیں وہ جسموں کی قربانی نہیں تھی, وہ سید الشہداء کے جگروں کی قربانی تھی۔ یہ جو ہمارے پاس مصائب میں جملہ ہے نا کہ مولا امام مجتبیٰ کو جب زہر دیا تو تشت میں امام مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ امام مجتبیٰ کے جسمانی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے, لیکن جب قاسم گرے تو امام حسین کے روحانی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جب علی اکبر گرے تو فرمایا بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو دکھائی نہیں دیتے, جب ابو الفضل گرے تو کہا بھیا اب میری قبر ٹوٹ گئی۔ سید الشہداء بتا رہے تھے کہ میرے جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہیں۔ ان لعینوں کو پتا تھا کہ اگر ہرملا کا تیر حسین کو لگا تو حسین ایک دفعہ مریں گے, لیکن اگر علی اصغر کو لگا تو بار بار۔ اس خاطر اس لعین نے علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ عزیزو, ایک باپ ہے, ایک چچا ہے, جس کے سامنے اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں, لیکن جو مصائب مولا امیر المومنین نے اٹھائے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, امیر المومنین وہاں سے گزرے, ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو الحسن تشریف لائیے, ہماری گفتگو میں ساتھ دے دیں۔ کہا ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ زندگی کا سخت وقت کون سا ہوتا ہے۔ ایک نے کہا کہ تمہیں کسی سے پیسہ مانگنا پڑے بڑا سخت ہوتا ہے, ایک نے کہا کہ دشمن کے سامنے اکیلے رہ جاؤ بہت سخت ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ابو الحسن آپ بتائیے سخت وقت کیا ہوتا ہے, میں نے روایت دیکھی ہے, اس روایت
रिवायत में लिखा था कि अमीरुल मोमिनीन ने इधर उधर देखा कि कोई गैर तो नहीं सुन रहा, फिर कहा कोई तुम्हारी सौजा को मार जाओ तो मुझे। सब بجاہ نبی